नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बीडीपी इन्वेस्टमेंट में। आज के इस वीडियो में दोस्तों सुबैक्स के ऊपर बात करेंगे, जहां पे दोस्तों प्राइसिंग में जबरदस्त गिरावट आई है, तो उसका क्वार्टरली रिजल्ट कैसा था उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और दोस्तों स्टॉक में बहुत ही अच्छा लो रिस्क हाई रिवॉर्ड बन रहा है पैटर्न, जो हमारा चैनल का फॉर्मूला है कि दोस्तों कम से कम रिस्क में काफ़ी अच्छा मूवमेंट हमें मिल जाए, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। चार्ट के ऊपर दोस्तों दो बेहतरीन ट्रिगर है जो इंडिकेट हमें कर रहे हैं कि ये स्टॉक यहाँ से नीचे गिरना बंद होना चाहिए। दोस्तों मार्केट में दो दिन से लगातार गिरावट आ रही है। मैंने लास्ट वीडियो जो थे उसमें HFCL डॉक्टर मॉर्फन लैब का एनालिसिस किया था। इवन कैडिला हेल्थ केयर में दोस्तों 15 का रिस्क 150 का मुनाफा क्यों हो सकता है, अब रिस्क और भी कम हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों आज जो स्टॉक था वो जो हमारा सपोर्ट लेवल है उसको ब्रेक किया, उसके बाद वहाँ से ही अच्छा रिकवरी आया। और दोस्तों वीकली चार्ट के ऊपर हमारा एनालिसिस था, और दोस्तों चार्ट हमारा जो क्लोजिंग आना चाहिए उससे ऊपर ही क्लोज हुआ है। अब दो दिन का ट्रेडिंग सेशन बचा है, और दोस्तों जो ब्लास्ट आने वाला है कैडिलास हेल्थ केयर में, जो न्यूज़ आएगी तब वो स्टॉक भागेगा, और भागना ही चाहिए, क्योंकि दोस्तों डॉक्टर रेड्डीस और बहुत सारे स्टॉक उस न्यूज़ के ऊपर भागे थे। तो आशा करते हैं कि कैडिला हेल्थ केयर में भी सेम रहे और हमें बहुत ही बेहतरीन मुनाफा मिले, जैसे ही हमें भारती एयरटेल में दोस्तों मुनाफा मिला था, जहाँ पे मैंने 5 रुपये का रिस्क और आपको 200 रुपये का प्रॉफिट बताया था, तब थोड़ा आपको समझ में नहीं आया कि क्यों इतना ज़्यादा भागेगा। बट आज भारती एयरटेल का शेयर 525 का शेयर दोस्तों कहाँ पहुँच गया, 625 के आसपास अभी चल रहा है दोस्तों। तो ये स्टॉक दोस्तों सारे फंडामेंटली गुड स्टॉक की इस चैनल के ऊपर मैं ज़्यादातर रेकमेंड करता हूँ, तो जिससे हमें आने वाले टाइम में अच्छा रिटर्न मिल सकता है। अब शुरू करते हैं दोस्तों सुबैक्स में। सुबैक्स 48.95 दोस्तों -6% का दोस्तों गिरावट आई है। ओपन हुआ 52.30 का, हाई बनाया 52.75 का, लो बनाया 43.15। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको रिकवरी दिख रही है, काफ़ी अच्छी रिकवरी आई इस लेवल के ऊपर से, क्यों तो उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। कॉन्ट्री ट्रेडेड की दोस्तों बात करें तो दोस्तों 3,31,00,000 वॉल्यूम हुआ है, और जो डिलीवरी क्वांटिटी है वो 85,66,000 हुई है, तकरीबन 25.87% का हुआ है दोस्तों। डिलीवरी क्वांटिटी दोस्तों डे बाय डे अगर टैली करें तो 10 अगस्त को 35.4 थी, 9 अगस्त को 36.7 थी, 6 अगस्त को 31.0 थी। दोस्तों ये टैली हम इसलिए करते हैं कि दोस्तों लास्ट वीक में क्या कुछ ज़्यादा कुछ अप एंड डाउन नहीं आया ना डिलीवरी में, वो देखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। अब जो गिरावट आई है, क्यों गिरावट इतनी है, वो दोस्तों किसी को पता नहीं है, बट मार्केट में जो गिरावट आई है स्मॉल कैप और मिड कैप में, वो BSE के सर्कुलर के ऊपर था। अब सर्कुलर को उन्होंने चेंज भी कर दिया है, नोटिफिकेशन आ गई है मार्केट में। बट एक मंथ के अंदर दोस्तों 30% सुबैक्स नीचे मिल रहा है, क्या ये बाइंग प्राइस है या नहीं है उसके ऊपर डिस्कस करें चार्ट के ऊपर। उससे पहले दोस्तों रिजल्ट के ऊपर एक नज़र डाल देते हैं। दोस्तों ये सुबैक्स का दोस्तों रिजल्ट आया था 9 अगस्त को, और जहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो 30 जून का जो लास्ट ईयर का ईयर टू ईयर अच्छा परफॉर्मेंस है, बट क्वार्टर टू क्वार्टर कम है। और कंपनी का क्वालिफिकेशन आया है कि दोस्तों जो लॉकडाउन का जो कोविड का इम्पैक्ट था उसकी वजह से काफ़ी डिलीवरी डिले हुई है, उसकी वजह से रेवेन्यू उनका अच्छा नहीं हुआ है, और सारे प्रॉफिट्स दोस्तों लास्ट जो है वो दोस्तों स्टॉक में बेसिक अगर EPS की बात करें वो भी बहुत ही कम हो गई है, उसकी वजह से ये स्टॉक को पनिशमेंट मिला है। अब चलते चार्ट के ऊपर, रिजल्ट गंदा आया, पनिशमेंट मिल गया दोस्तों, और वो मार्केट का रूल्स है कि जब भी रिजल्ट आपका बेकार सा आता है तो आपको मार्केट पनिशमेंट देगा ही। अब पहला दोस्तों चार्ट के ऊपर मैंने हमारा जो फॉर्मूला है फिबोनाची रिट्रेसमेंट, जहाँ पे मैंने स्विंग लो से स्विंग हाई को कनेक्ट किया है, लंबी अवधि के लिए दोस्तों होता है वो। और पहली चीज़ कि 23.6% का रिट्रेसमेंट तक सपोर्ट कर रहा था, बट इस वीक में तोड़ दिया है दोस्तों, और 38.2% का रिट्रेसमेंट को भी इसी वीक में तोड़ दिया है, और 50% का रिट्रेसमेंट जहाँ पे आप देख रहे हैं 44.88 का जो लेवल है। अब ये लेवल क्यों इम्पोर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पे आपको 43.15 का लो दिख रहा है, वो लेवल क्यों इम्पोर्टेंट है, एक तो हमें यहाँ से पुलबैक मिला जो 50% का रिट्रेसमेंट है, तो यहाँ से हमें बॉटम बन गया ऐसा हम बोल सकते हैं, और 50% का रिट्रेसमेंट है तो थोड़ा अगर 30% गिरा है तो थोड़ा पुलबैक भी स्टॉक में आना लाजमी है दोस्तों। तो इसीलिए हमारा अभी जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 44 रुपीज़ का रहेगा, और 4 रुपये के रिस्क के साथ हमें इसमें आगे बढ़ना है।
दूसरा बाइंग रीजन क्या है वो हम डेली चार्ट के ऊपर समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको एक ग्रीन लाइन दिख रही है वो दोस्तों 200 DMA है दोस्तों, एवरेज वॉल्यूम है 200 का, जो क्लोजिंग बेजिस के ऊपर होता कैलकुलेशन है और वहाँ पे टच होके स्टॉक ने रिकवरी दिखाई है। तो दो बड़े पॉइंट हमारे पास है कि यहाँ से स्टॉक ने रिकवरी दिखाई, यानी कि यहाँ पे बॉटम बन चुका है, तो यहाँ से हमें अपर की मूवमेंट हमें मिलनी चाहिए दोस्तों। और जो रिजल्ट का जो दोस्तों इम्पैक्ट था वो पूरा अभी हो चुका है क्लियर, ऐसा मान सकते हैं। तो ये जो आप दो तरह से इसमें ट्रेड कर सकते हैं, अगर लॉन्ग टर्म ट्रेड करना है तो ये जो लेवल है आज का लो 43 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें लंबी अवधि के लिए इसमें अपना पैसा लगा सकते हैं और आपको अच्छा रिटर्न देने की क्षमता सुबैक्स दे सकता है। क्योंकि आप प्रीवियसली अगर देखो तो बहुत ही बढ़िया स्टॉक ने मूवमेंट दिया है, कोई खराबी नहीं है और दोस्तों कंपनी का फंडामेंटल डे बाय डे इम्प्रूव भी हो रहा है। अभी रिजल्ट थोड़ा नेगेटिव है, वो कोविड की वजह से जो कंपनी का एक्सप्लेनेशन है उस हिसाब से अगर माना जाए तो दोस्तों स्टॉक में मूवमेंट आएगा और काफ़ी अच्छा मूवमेंट आएगा। और दो टेक्निकल पैरामीटर हमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट और 200 का DMA जो है एक्सपोनेंशियल एवरेज वो भी हमें वही बता रहा है कि यहाँ से रिकवरी आएगी। अगर ये लेवल टूट जाता है तो दोस्तों फिर स्टॉक में ट्रेंड ही चेंज हो जाएगा, जो स्टॉक है वो नेगेटिव ट्रेंड में चला जाएगा, फिर रिकवरी आना बहुत ही मुश्किल है। और वैसे भी 61.8% का रिट्रेसमेंट आ जाए यानी कि फंडामेंटली स्टॉक में बहुत ही खराबी आ जाती है, फिर वहाँ से निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और बहुत ही लंबा टाइम लगता है कोई भी स्टॉक के लिए। तो दोस्तों ये सारे मेरे पर्सनल व्यू है, और अगर आप सुबेक्स में ट्रेडिंग या इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली गई हुई है। और दोस्तों एक अच्छी खबर है कि वहाँ पे दोस्तों एक मंथ के लिए आपको कोई ब्रोकरेज का चार्ज देना नहीं होता है, फ्री में डीमैट अकाउंट भी खुलता है और ब्रोकरेज चार्ज जीरो रहता है एक मंथ के लिए। तो दोस्तों अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से आप ट्रेड या इन्वेस्ट कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।